गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फॉर टुडेज क्लास जो अपन स्टार्ट करेंगे टॉपिक दैट इज इन दिस वी आर स्टार्टिंग टुडे द यूनिट नंबर 4 दैट इज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पोर्शंस। नंबर ए पोर्शन इज ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड बी पोर्शन इज ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, जो बी वाला पोर्शन है वो ये इतना कवर करेगा आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी एंड एसी मशीन्स। ठीक है ना, ये बी वाला पोर्शन आपको कवर करेगा, है ना। और एक पोर्शन को जो अपन बात करेंगे, ए पोर्शन की बात जो अपनी होगी दैट इज वी विल टेक इन दिस। क्लियर, तो इसमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, देन आफ्टर दैट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बाद उसका बेसिक कंसेप्ट, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल, आइडियल ट्रांसफार्मर और उसका फेजर डायग्राम एट नो लोड कंडीशन। जैसे अपन ने इंडक्टिव लोड के लिए यूज किया था फेजर डायग्राम, वैसे यहाँ भी अपन इसके फेजर डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। देन आफ्टर दैट वोल्टेज करंट एंड इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट्स एंड इट फेजर डायग्राम। देन आफ्टर दैट उसका वोल्टेज रेगुलेशन, लॉसेस एंड एफिशिएंसी और टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। तो ये आपका इसका ए पोर्शन है। और बी पोर्शन में जो इसमें स्टडी अपन करेंगे, वी विल सी अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन एंड एसी मशीन्स। ये बी पोर्शन के लिए करा जाएगा। क्लियर, इसके रिगार्डिंग इसका आपका कोर्स आउटकम भी इससे मिलता जुलता आपके सिलेबस में है। इट इज सीओ वन की जो अपन बात करते हैं, सीओ वन दीज आर द कोर्स आउटकम्स। अभी तक आपको पता लग ही गया होगा सीओ वन, सीओ टू, सीओ थ्री एंड सीओ फोर। तो सीओ वन इसी के रिगार्डिंग मैच हो रहा है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। उसके बाद सीओ फोर भी इसी से रिलेटेड है, डेट इज एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, है ना। उसके बाद एक प्रेजेंटेशन है इसके लिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में क्या क्या अपना मेजर पॉइंट्स रहेंगे। ये मैंने आपको बताई दिया है अभी कि इसमें सबसे पहले अपन इसमें स्टार्टिंग करेंगे, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट्स, कंस्ट्रक्शन एंड फीचर्स। उसके बाद वोल्टेज करंट एंड इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम, वोल्टेज रेगुलेशन, लॉसेस एंड एफिशिएंसी, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये इसका लेक्चर प्लान अपना रहेगा। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन में अभी आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ अपन देखेंगे। देखिए, ट्रांसफार्मर का मेन इम्पॉर्टेंट जो सबसे अपना यूज़ किया जाता है दैट इज़ फॉर स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। शुरू में भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मशीन्स जो है दो तरीके की होती हैं। नंबर वन इज़ द स्टैटिक मशीन एंड द सेकेंड वन इज़ द रोटेटिंग मशीन। तो जो भी अपन एसी मशीन या डीसी मशीन की बात करते हैं दैट कवर्स द पोर्शन ऑफ द रोटेटिंग मशीन्स। एंड ट्रांसफार्मर की अगर बात होगी इसमें, तो इसमें आएगा आपका ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक मशीन। तो ट्रांसफार्मर का मेन जो यूज़ है या वर्ड जो निकल के आया है डेट इज कम्स फ्रॉम द वर्ड ट्रांसफॉर्म। मतलब आपको ट्रांसफॉर्म करना किसको, एसी इलेक्ट्रिकल पावर को एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल पे। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इसमें
कि इसमें जो ट्रांसफार्मर का डिवाइस अपन यूज़ करते हैं या जो भी आपका अवेलेबल रहता है ट्रांसफार्मर कहीं भी, उसमें जो पावर है और फ्रीक्वेंसी है वो दोनों आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इसको अपन स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, है ना, ये इसी के बारे में है। इसी तरीके से इसका अपन कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि किस तरीके से अपन कोर टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में स्टडी करते हैं और शेल टाइप ट्रांसफार्मर की स्टडी होती है, देन आफ्टर दैट आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। इसमें ट्रांसफार्मर इक्वेशन मतलब उसमें अपन अभी तक अपन अपने मैग्नेटिक सर्किट में भी अपन ने देखा था कि जब भी कभी ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसमें वी विल सी दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी फाई बाई डी टी के साथ कोई भी आपका एन नंबर ऑफ टर्न्स आते हैं तो वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, दैट इज माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। उसी से आपकी ईएमएफ इक्वेशन आ जाएगी लाइक दिस। और उसको इक्वेशन को अपन दोनों जगह मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में यूज करेंगे। इसी से आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आएगा और उसी रेशियो से अपन ये डिफाइन करेंगे कि वो आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह काम कर रहा है या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह काम कर रहा है। दैट इट इज सी दैट वी कैन सी ओनली द ट्रांसफार्मर रेटिंग इन टर्म्स ऑफ वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर रेटिंग की टर्म्स में इसको लिया जाता है क्योंकि इसमें वोल्टेज और करंट का मेन यूज रहता है। फिर ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखेंगे जिसमें सारे के सारे आपके टर्मिनोलॉजिस्ट आएंगे। टर्मिनोलॉजी से मतलब ये है कि यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में अपन R1 रेजिस्टेंस, X1 रिएक्टेंस, RC XM करंट की बात करेंगे। EMF इंड्यूस यहाँ पे होगा इन प्राइमरी वाइंडिंग, EMF इंड्यूस होगा इसमें आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। सिमिलरली सेकेंडरी वाइंडिंग का आपका R2 रेजिस्टेंस, X2 रेजिस्टेंस और लोड, है ना। फिर इसी में अपन जो भी आपके सेकेंडरी साइड R2 X2 रहेंगे उसको अपन रिफर करेंगे प्राइमरी साइड में। देन वी आर गोइंग टू द लॉसेस कि कौन कौन से मेजर लॉसेस इसमें रहते हैं, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, देन एफिशिएंसी के बारे में इसमें स्टडी करेंगे अपन कि आउटपुट पावर और आउटपुट इनपुट पावर में। देखो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसे डिवाइस है जिसमें आपका आउटपुट और इनपुट के साथ साथ एक और टर्मिनोलॉजी गिवन रहती है जिसको अपन स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉसेस, ठीक है। लॉसेस का भी मेजर पोर्शन रहता है इसमें। देन आफ्टर इसमें आपका रेगुलेशन, तो रेगुलेशन में बेसिक टर्मिनोलॉजी इसमें अपन देखेंगे, डाउन वोल्टेज रेगुलेशन, अप वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब नो लोड से फुल लोड तक के बीच में डिफरेंस जो आता है। देखिए ट्रांसफार्मर की स्टडी जो अपन करते हैं इनिशियली उसकी स्टडी जो होती है वेर स्टार्टिंग फ्रॉम द नो लोड, सबसे नो लोड से उसका काम किया जाता है। देन वी आर स्विच टू द फुल लोड कंडीशन, देन इसी से आपका ऑटो ट्रांसफार्मर और इसी के फीचर्स आएंगे, ठीक है। ये तो प्रेजेंटेशन था इससे रिलेटेड। अब अपन इसमें स्टडी करते हैं कि अपन इसमें क्या क्या चीज़ अपन इसमें देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए सभी लोग इसमें, ट्रांसफार्मर यूनिट नंबर 4th। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशंस के लिए सभी लोग इसकी स्टडी के लिए कंसेप्ट समझने के लिए सबसे इसकी डेफिनेशन अपन देखेंगे। ये इसमें अ ट्रांसफॉर्मर इज एन एसी स्टैटिक डिवाइस। अ ट्रांसफॉर्मर इज एन एसी स्टैटिक डिवाइस इसी स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक पावर
इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी. इट्स फ्रीक्वेंसी. ठीक है, गॉट? इसका मतलब क्या होगा? हेंस द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, द मेन फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज टू रेस और लोअर द वोल्टेज, रेज और लोअर द वोल्टेज इन एन एसी सर्किट विद अ करस्पॉन्डिंग विद अ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज ऑन डिक्रीज और इंक्रीज इन करंट, एट द सेम फ्रीक्वेंसी. ठीक है, समझ आया आप लोगों को? क्या बताया अभी तक? इट मीन्स दैट कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी की बात है. इसका मतलब यह है, मान लीजिए कि इसमें जो पी वन फ्रीक्वेंसी है प्राइमरी साइड में, दैट सॉरी पी वन पावर है प्राइमरी साइड में, दैट इज इक्वल टू द पी टू पावर, है ना? पावर इसमें कॉन्स्टेंट रहेगा. जैसे मान लीजिए कोई आपका 1 KVA का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसकी अपना प्राइमरी साइड की पावर और सेकेंडरी साइड की पावर, ये दोनों क्या रहेगी? आपकी सेम रहेगी. बस इसमें चेंज क्या हो जाएगा? हेयर द वैल्यू ऑफ वी वन आई वन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वी टू आई टू. दिस इम्प्लाइज दैट जो आपका वी वन अपॉन वी टू है, की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? I2 upon I1. इट मींस दैट कि वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट. करंट. ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि यहां पे पावर है, दिस पावर इज कांस्टेंट. समझ आया आप लोगों को? ये इसका एक्चुअल मीनिंग ट्रांसफार्मर का. यस सर. नेक्स्ट स्लाइड में आऊं बेटा मैं, इसके आगे बताएं इसके. यस सर. चलिए, तो ये आपका, अब सबसे पहले मैं आपको इसको बता दूं ट्रांसफार्मर के बारे में, कि जब भी कभी अपन ट्रांसफार्मर में सबसे पहले इसके अगर अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, व्हेन वी आर स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो अलग अलग तरीके से इसका ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन किया जाता है. इनिशियली इसकी जो स्टार्टिंग अपन करते हैं, वी विल स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर द टू कंडीशन. सबसे पहले इसको अपन जो स्टडी करते हैं, दैट इज एट नो लोड कंडीशन, ठीक है, और सेकंड जो इसका रहेगा एट लोड.
एड लोड का मतलब ये है कि जब आपका उसमें करंट आई टू करंट आपका फ्लो होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में. तो ये जो फिगर है, दिस फिगर इज फॉर द कंडीशन ऑफ एट नो लोड. नो लोड, ठीक है. एट नो लोड का मतलब ये है कि यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी आपका अभी मैंने लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए जो करंट जो है, करंट का यहाँ पे यूज जो हो रहा है, दैट सीम्स टू बी द वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो. नो लोड है मतलब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा लेकिन वोल्टेज यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा. गॉट माई पॉइंट? वोल्टेज भी कौन सा? जो yes. आपका ई टू EMF इंड्यूस होगा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में, दैट E2 टू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ V2 वोल्टेज, जिसको अपन सेकेंडरी वोल्टेज की तरह यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो ये डायग्राम बनाइए सभी लोग. एक ट्रांसफॉर्मर अपन ने लिया, यहाँ पे V1 इज अ प्राइमरी वोल्टेज, I1 इज प्राइमरी करंट, E1 जो है आपका प्राइमरी वोल्ट वाइंडिंग में जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो हो रहा है, एन वन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, एन टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग. यहाँ जैसे ही आपने एक कॉयल कनेक्ट करी है और करंट पास कराया है, और ये अपन ने एक कोर मटेरियल लिया हुआ है, मतलब कोई आयरन पीस अपन ने लिया हुआ है यहाँ पे, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे अब मैग्नेटिक सर्किट का कंसेप्ट यूज हो रहा है. इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक फ्लक्स यहाँ पे फ्लो हो रहा है, लाइक दिस फ्लक्स फाई. ठीक है, इसके कोर में ये फ्लक्स फ्लो होगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ विच करंट, आई वन और आई टू. फ्लक्स का डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग रहेगा? कौन से करंट के अकॉर्डिंग? आई वन के. आई वन के अकॉर्डिंग रहेगा क्योंकि यहाँ पे आई टू एट दिस टाइम एट नो लोड कंडीशन ये आपका जीरो है. ठीक है, लेफ्ट साइड में जो भी आपका पैरामीटर्स अपन यूज कर रहे हैं, दीज आर द प्राइमरी साइट, दिस इज फॉर प्राइमरी साइट, और राइट साइड में जो अपन पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं, दिस इज फॉर द सेकेंडरी साइड, है ना. और यहाँ पे पी और एस ये इंडिकेट जो कर रहा है, पी रिफ्लेक्ट्स द प्राइमरी वाइंडिंग, और ये प्राइमरी वाइंडिंग के एन वन जो है, एन वन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, और एन टू जो है, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, जो भी यहाँ पे एस को अपन डिफाइन कर. एक मिनट वेट करना जरा, एक सेकेंड. चलिए, आवाज आ रही है? यस सर. यस सर. यस सर. तो इसमें जो अपन बात करेंगे अब, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट आ रहा है इसका, बेसिक प्रिंसिपल का, तो इसमें सबसे पहले इनिशियली जब भी कभी बेसिक प्रिंसिपल की बात होगी, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज. सर. हाँ बताओ. सर, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि प्राइमरी के कम होने चाहिए सेकेंडरी से या ज़्यादा होने चाहिए हमेशा? हाँ, ये मैं अभी आपको बताऊंगा. ये डिपेंड करता है कि आपको ट्रांसफार्मर को एज अ स्टेप अप यूज़ करना है या एज अ स्टेप डाउन यूज़ करना है. ये तो मैंने अभी आपको बेसिक बता दिया कि सिंपल यहाँ पे सेम नंबर ऑफ टर्न्स करके दिखा दिए हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उस टाइम पे प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज है ई वन और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है ई टू, उस टाइम पे आपका सेम रहेगा. लेकिन जब आपका नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग के ज़्यादा रहेंगे, उस टाइम पे जो ट्रांसफार्मर आपका बिहेव करेगा, डेट इज बिहेव लाइक अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर. अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग के ज़्यादा है तो उस टाइम पे
जो वोल्टेज आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा E2 वो आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी वोल्टेज के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करते हैं और ये बताते हैं चीज कि दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। डाउट समझ आया जो आपने क्वेश्चन किया था? यस सर, यस यस, वो बताऊंगा मैं अभी। अभी क्लासिफिकेशन, अभी सिर्फ अपन सिर्फ ये देख रहे हैं कि एट नो लोड और लोड की कंडीशन क्या होती है। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा वो चीज कैसे आएगी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें लिखिए द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, जो इसके बेसिक प्रिंसिपल की बात करी जाती है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से मतलब यह है कि यहां पे आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई अपन दे रहे हैं और कोर में आपका फ्लक्स फ्लो हो रहा है, तो दैट इज बिहेव लाइक अ, यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट की तरह बिहेव हो रहा है। और इंडक्शन प्रिंसिपल की बात अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अपन ने कॉइल यूज कर ली है प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी, लाइक दिस। और जहां से आपका इसमें फ्लक्स फ्लो हो रहा है, दैट वी कैन यूज दैट मटेरियल एज अ कोर, इसको कोर बोला जाता है, ठीक है। जो अपन आयरन पीस यूज करते हैं, दैट रिफ्लेक्ट द कोर इंडिकेशन। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये है कि जो भी एनर्जी अपन सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे, किस में, प्राइमरी वाइंडिंग में, वो आपका ट्रांसफर हो रही है किस में, सेकेंडरी वाइंडिंग में, किसकी वजह से, बाय मींस ऑफ द मैग्नेटिक कपलिंग। मैग्नेटिक कपलिंग मतलब इन दोनों के बीच में जो भी आपका कपलिंग हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, दैट वी कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो इसमें लाइन लाइन में लिखिए द एनर्जी फ्रॉम वन कॉइल, द एनर्जी फ्रॉम वन कॉइल इज ट्रांसफर्ड द एनर्जी फ्रॉम वन कॉइल इज ट्रांसफर्ड टू अदर कॉइल by means of magnetic coupling, magnetic coupling की वजह से। रिलेटेड क्या? कपलिंग, कपलिंग लिख रहा हूं मैं। मैग्नेटिक कपलिंग, ठीक है। क्लियर? अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जो भी कॉइल जहां पे आप एनर्जी को रिसीव करेंगे, जैसे यहां मैंने क्या किया हुआ है, V1 इंडिकेट कर रहा हूं डायग्राम की तरफ, देखिए लेफ्ट साइड, इसका मतलब क्या है, यहां पे मैं V1 जो एनर्जी है वो मैं आपको एक सप्लाई से दे रहा हूं, AC सप्लाई से पुट कर रहा हूं। इट मीन्स दैट कि इसको जहां भी अपन एनर्जी को रिसीव करेंगे, दैट वी कॉल एज अ प्राइमरी, और जहाँ भी अपन लोड साइड की बात करेंगे, अभी तो यहाँ पे नो लोड कंडीशन है, नो लोड हो या लोड कंडीशन हो, उस साइड को अपन क्या बोलेंगे, हमेशा सेकेंडरी, ठीक है। समझ आया?
अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो ये है वो ये अपन इसकी उसकी अपन ये बात करेंगे कि इसमें जो भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसकी वजह से होगा, दो चीज़ों की वजह से। दो चीज़ों से मतलब ये है कि अगर मैं प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस करूँगा तो वो कितना मेरा नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे गिवन है और कितना फ्लक्स फ्लो हो रहा है, और फ्लक्स भी किसके अकॉर्डिंगली बना, क्योंकि एसी सप्लाई है आपका जो करंट है वो अपन टाइम के हिसाब से अपन वेरी करेंगे। इसी तरीके से जैसे अगर अपन करंट को वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज di/dt, तो उसी के करस्पॉन्डिंग किसको अपन देखते हैं, विच वी कैन सी फॉर दैट मैटर्स। अगर di/dt होता है तो फ्लक्स में क्या चीज़ देखते हैं अपन, बताएं बेटा। इंडक्टेंस 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 नहीं, अगर करंट की वैल्यू में चेंज आपका आई में आ रहा है di/dt, तो फ्लक्स में चेंज कैसे देखते हैं अपन, d5/dt से देखते हैं। वी कैन सी इन द टर्म्स ऑफ d5/dt, ठीक है यस ना। सर इसका मतलब क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपके गिवन है और फ्लक्स आपका गिवन है, इट मीन्स दैट आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ट्रांसफार्मर में। जैसे अपन सिंपल मैग्नेट सर्किट में बात करते हुए आए थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का सर्किट लेता हूँ, ओनली वन कॉइल, तो वन कॉइल में जैसे मैं इसको रोटेट करता हूँ तो आपको बताता हूँ, इसी तरीके से अपन ने कंसेप्ट देखा था ना कि उसमें जो भी आपका नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, जितना भी आपका इसमें फ्लक्स इस कॉइल से फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका किसके लिए, सिंगल के लिए। अब यहाँ पे क्या चेंज हो गया, यहाँ पे अब दो कॉइल हो गई है। इट मीन्स दैट कि जब भी यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसको लिखिए द इंड्यूस ईएमएफ किसी भी साइड, चाहे वो प्राइमरी में हो या सेकेंडरी में हो, द इंड्यूस ईएमएफ इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, द इंड्यूस ईएमएफ इन द प्राइमरी इन द एंड सेकेंडरी वाइंडिंग डिपेंड्स अपॉन द, डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज दैट इज क्या बोलेंगे इसको, दैट इज क्या वैल्यू होगी वो, एन d5/dt ठीक है। आप कंसेप्ट समझ आया आपको किस तरीके से अपन, कैसा इसका प्रिंसिपल काम करता है और कौन कौन से इसमें पैरामीटर्स अपन लेके चलते हैं। इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम आपको, आप लोग किसी को भी ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आओ बेटा। यस यस सर यस सर अब अगर मैं यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस कर रहा हूँ प्राइमरी में और सेकेंडरी में दोनों में, इट मीन्स दैट देयरफॉर जो यहाँ पे आपका ईवन की वैल्यू है, ईवन इज प्रोपोर्शनल टू एन वन एंड ई टू, जो डिपेंड करेगा दैट इज एन टू। समझ आया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दैट पर्टिकुलरली जो उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कि यहाँ पे ई1 की वैल्यू और ई2 की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एन1 पे और एन2 पे। तो इससे दो आपके रेशियो निकल के आते हैं,
नंबर वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को अपन डिफाइन करते हैं वैल्यू ऑफ के, और इसको जो बोला जाता है द वैल्यू ऑफ ई टू अपॉन ई वन इज इक्वल टू एन टू बाय एन वन। जब अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एक कुछ पूछ रहे हो बेटा, के की जो वैल्यू है दैट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ ई टू अपॉन ई वन अपॉन एन टू अपॉन ई वन। और इसमें एक और चीज होती है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के साथ, दैट इज टर्न रेशियो। दो इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ही, तो अपन आगे जाके जब इसके न्यूमेरिकल देखेंगे तो वहां पे ये दोनों टर्मिनोलॉजीज काम आती हैं। और ये डिपेंड कर रहा है किस पे, आपके जो भी नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो टर्न रेशियो वी कैन सी द वैल्यू ऑफ टर्न रेशियो विद द हेल्प ऑफ एन वन अपॉन एन टू, मतलब कितना आपका नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है प्राइमरी वाइंडिंग में और कितने आपके नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है किसमें, सेकेंडरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में ठीक है? इट इज जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर लिया लाइक दिस, द वाइंडिंग से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मान लीजिए ये एन वन नंबर ऑफ टर्न्स है, ये एन टू नंबर ऑफ टर्न्स है ना? ये अपन सिंपल एक प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का एक सिंपल ट्रांसफॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना? यहाँ वही सब चीजें हो रही हैं, वी वन आई वन वी वन आई वन, ईएमएफ इंड्यूस यहाँ पे हो रहा है आपका। सिमिलरली अभी यहाँ पे नो लोड कंडीशन है तो आई टू तो जीरो ही हो जाएगा यहाँ पे, आई टू इक्वल टू जीरो, कोई लोड करेक्ट नहीं है, पी टू और ई टू ईएमएफ हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपन अगर अपन बात करेंगे तो एक और क्लासिफिकेशन आता है आपका, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन टू टर्म्स। नंबर वन इज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, है ना? एंड द सेकेंड वन इज द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, है ना? अब ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मर का स्टेप अप और स्टेप डाउन है दिस डिपेंड अपॉन द वोल्टेज लेवल, मतलब वोल्टेज की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपका स्टेप अप है, इट मींस दैट कि यहाँ पे उस जगह जो आपका ई टू की वैल्यू है या वी टू की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन द ई वन। तो हेयर ई टू इज ग्रेटर देन ई वन। ये कब होगा? जब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है? अब ये एग्जांपल जो है ये किसका है, स्टेप अप का है या सर स्टेप डाउन का है? स्टेप अप स्टेप डाउन तो स्टेप स्टेप डाउन डाउन का है ना? इट मींस है देखिए यस यहाँ सर पे जो मैंने कॉइल यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में कनेक्ट कर रही है उसके नंबर ऑफ टर्न्स मेरे को यहाँ पे कम दिख रहे हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग वो ज्यादा है। इसका मतलब एन टू अगर कम है एन वन ज्यादा है तो यहाँ पे ई टू जो ई एम एफ इंड्यूस होगा बिकॉज ई टू इज इक्वल टू एन टू डी फाई बाई डी टी, तो उसके अकॉर्डिंग ही ई टू की वैल्यू रहेगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ ई टू इज लेस देन ई वन। सिंस क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज द नंबर ऑफ टर्न्स एन टू इज लेस देन एन वन। समझ आया? यहाँ पे लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में करंट इसका अपोजिट हो जाएगा, करंट आई टू इज लेस देन आई वन हो जाएगा, ठीक है? ये कंसेप्ट समझ आया आप लोगों को जो मैंने बताया, द कंसेप्ट ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड द कंसेप्ट ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, दोनों ही कंसेप्ट, यस सर ठीक है? इसी से आपका टर्न ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, तो एन टू और एन वन में कभी भी कंफ्यूज मत होना। एन वन सिंपली द नंबर ऑफ टर्न्स
इन प्राइमरी वाइंडिंग, जहां पे आप अपनी एनर्जी को या सप्लाई को कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। और एन टू क्या है? एन टू इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, जो दो कंडीशन के लिए हो रहा है, या तो आपका नो लोड कंडीशन होगा या फिर लोड कंडीशन। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तो कोई प्रॉब्लम है, डाउट तो नहीं किसी को? नो अब सर, इसमें एक कंसेप्ट और आता है नेक्स्ट, इसमें जो है दैट इज द ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन। कि जब भी कभी अपन ये, यहां तक तो सिंपल इसका प्रिंसिपल था, वर्किंग प्रिंसिपल था कि अपन कैसे कैसे उसको देख रहे हैं। अब जो नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, कि कौन कौन से इसमें अपन मेन एलिमेंट्स को यूज करते हैं ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो इसमें लिखिए द मेन एलिमेंट, द मेन एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर कौन कौन से मेन एलिमेंट होंगे? नंबर वन इज द टू कॉइल्स, द मेन एलिमेंट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर आर आर टू कॉइल्स एंड अ लेमिनेटेड आयरन कोर। वेरी गुड, लेमिनेटेड स्टील कोर, कोर भी बोल सकते हैं या स्टील कोर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन कोर को जो अपन यूज करते हैं, वाई वी आर यूजिंग द लेमिनेटेड कोर, तो उसको लेमिनेशन इसलिए किया जाता है बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी कोई भी अपना इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रहता है या कोई भी आपका मशीन रहेगी, चाहे वो स्टैटिक मशीन हो या रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन हो, दोनों में ही लॉसेस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, कौन से लॉसेस? एडी करंट लॉसेस, वो लॉसेस मैं आपको बताऊंगा, उसको मिनिमाइज करने के लिए अपन लेमिनेशन का यूज करते हैं। तो इसमें लिखिए, लाइन लिखिए, द कोर इज लेमिनेटेड टू मिनिमाइज द एडी करंट। एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए अपन इसका लेमिनेशन करते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी तक अपन ने देखा कि ट्रांसफार्मर को अपन एज अ नो लोड कंडीशन देख रहे हैं, लोड कंडीशन देख रहे हैं, और उसके बाद अपन ने देखा कि ट्रांसफार्मर को एज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो एज पर द कंस्ट्रक्शन और जो आपका प्राइमरी और वाइंडिंग को अपन कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे उसको असेंबल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो वो होता है एक आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर और एक आपका शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो इसमें लिखिए एक लाइन और, इसका एक और क्लासिफिकेशन, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कोर कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू द कोर कंस्ट्रक्शन एंड एंड द मैनर इन विच द प्राइमरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर प्लेस्ड अराउंड इट, उसके अकॉर्डिंग अपन उसका नाम देते हैं। दैट इज द ट्रांसफॉर्मर आर नेम्ड एज ट्रांसफॉर्मर आर
नेम्ड एज नंबर वन, जिस क्लासिफिकेशन रहेगा दैट इज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, एंड द सेकेंड वन इज द शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो जैसे अपन कोर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं और द मैनर इन विच उसको अपन किस तरीके से प्लेस कर रहे हैं, किसको, प्राइमरी वाइंडिंग को और सेकेंडरी वाइंडिंग को, तो उससे अपन इंडिकेट जो कर रहे हैं, वी कैन इंडिकेट द टर्मिनोलॉजीज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर एंड शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर और शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, ये आप लोगों ने मैग्नेटिक सर्किट में कहाँ पढ़ा था, याद है? शेल टाइप को कहाँ देखा था आपने, बताएं, किसी को रिमेम्बर है? बताओ बेटा। पैरेलल में। जैसे अपन फॉर एग्जांपल ये लिख लिया सब लोगों ने, नेक्स्ट स्लाइड में आऊं मैं। यस सर। जैसे सबसे पहला एग्जांपल जो है दैट इज फॉर कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, तो जो जनरल अपन ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं, जो अभी तक अपन, मैंने जो अभी आपको एग्जांपल भी बताया उसका वर्किंग प्रिंसिपल का, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने कोर यूज किया हुआ है लाइक दिस, इस तरीके से है ना, और यहाँ पे कोर में ही मैंने क्या किया हुआ है, प्राइमरी वाइंडिंग को और सेकेंडरी वाइंडिंग को इस तरीके से असेंबल किया हुआ है लाइक दिस। दिस इज अवर प्राइमरी वाइंडिंग और आउटपुट में यहाँ पे मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग रखी हुई है, ठीक है, और फ्लक्स का जो डायरेक्शन है या फ्लक्स जो आपका हो रहा है इन दिस, इस तरीके से आपका इसमें फ्लक्स फ्लो हो रहा है ना। ये तो हो गया कोर टाइप के लिए। अब नेक्स्ट जो है दैट इज फॉर शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर का यूज भी अपन इसी तरीके से करते हैं, जैसे अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर में अपन ने देखा था, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट में देखा था, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में, तो उसमें प्राइमरी और वाइंडिंग का अपन ने लोकेशन उसमें चेंज किया हुआ है ना, दैट इज वी कैन यूज लाइक दिस। ये आपको बना के दिखाता हूँ एक बार और, आप भी बना लीजिए। तो ये भी एक तरीके का आपका जो ट्रांसफॉर्मर अपन यूज कर रहे हैं उसका क्लासिफिकेशन है एज अ कोर टाइप और शेल टाइप लाइक दिस, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से अपन ने लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यह आपने लिया, यहाँ पे एक प्राइमरी वाइंडिंग अपन कनेक्ट करी हुई है इस तरीके से, और यहीं पे अपन ने लाइक दिस सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी। समझ आया? मतलब एक ही लिम्ब, इसमें इसको अपन ने नाम दिया था सेंट्रल लिम्ब, ठीक है, यहीं अपन ने प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्ट किया हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग फिर अपन ने क्या किया हुआ था, यहाँ पे जो आपका फ्लक्स का पाथ है वो अपन ने यहाँ पे अलग अलग जगह, जैसे पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट से अपना करंट फ्लो हो रहा है, इसी में पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में आपका इसका अपन ने आप इसमें फ्लक्स को फ्लो करके दिखाया, याद आया? ठीक है, समझ आया ये चीज सबको? तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन एज पर द कंस्ट्रक्शन और एज पर द प्राइमरी और वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो अपन प्लेसमेंट कर रहे हैं उससे अपना इसका यूज हो रहा है, उसको अपन ने क्लासिफिकेशन इस तरीके से बताया है। इसमें डाउट किसी को? ये अपन ने उसमें देखा भी था मैग्नेट सर्किट के पैरेलल सर्किट में जो अपन पाथ अपन ने यूज किया था उसमें अपन ने देखा था इसको,
ठीक है, आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में आऊं, बना लिया सबने? यस सर। तो ये हो गया कोर टाइप और शेल टाइप। अब नेक्स्ट जो इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिससे अपन इसकी स्टार्टिंग करेंगे, दैट इज फ्रॉम द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। हेडिंग डालिए सभी लोग, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। कोई बताएगा आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या होता है और उसको कैसे अपन डिफाइन करते हैं? एफिशिएंसी 100%, जिसमें कोई भी लॉस नहीं, कोई भी हीट लॉस नहीं हो, कोई भी लोड लॉस नहीं हो, और नो एडी लॉसेस। लॉसेस नहीं, और क्या बताया? देखो यहाँ पे जब भी कभी अपन आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो इसमें कुछ कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे जो भी आपका, चाहे वो प्राइमरी वाइंडिंग होगा या सेकेंडरी वाइंडिंग होगा, तो उसमें एक्चुअल में जो आपका ट्रांसफार्मर अपन यूज़ करते हैं, दैट इज़ द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर सिंपल, एक अगर अपन टेस्टिंग के लिए अगर उसको अपन लेते हैं, तो दैट फॉर दैट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैव नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, उसमें अपन रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते हैं, एक तो ये चीज हो जाती है। और उसमें अपन ये भी मान के चलते हैं कि उसमें कोई भी आपका लीकेज फ्लक्स प्रेजेंट नहीं रहता, देयर इज नो लीकेज फ्लक्स। ठीक है, और अपन ये भी मान के चलते हैं कि वी कैन यूज द आइडियल ट्रांसफार्मर, या वी कैन सिंप्लीफाई द आइडियल ट्रांसफार्मर जस्ट लाइक अ लॉसलेस ट्रांसफार्मर। सो कोई भी लॉसेस अपन प्रेजेंट मान के नहीं चलते हैं, सो देयर आर नो लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। इसमें लॉसेस भी नहीं रहेंगे। और जैसे अपन मैग्नेटाइजिंग करंट की बात करते हैं, तो उसमें कोई भी आपका मैग्नेटाइजिंग करंट भी रहेगा नहीं ही रहेगा, देर इज नो मैग्नेटाइजिंग करंट। तो सिंपली अगर अपन इसकी बात करते हैं ये इन टर्मिनोलॉजीज के लिए लिए, सो दिस इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि अपन फॉर द आइडियल ट्रांसफॉर्मर देयर इज नो पावर लॉस, है ना, देयर इज नो पावर लॉस, देयर फोर जो भी आउटपुट रहेगा दैट मस्ट बी इक्वल टू इनपुट। ठीक है, समझ आया सबको आइडियल ट्रांसफॉर्मर की कंसेप्ट? तो उसमें जो भी आपका आउटपुट रहेगा वो आपकी इनपुट के बराबर इक्वल रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आओ बेटा, यहां तक लिखिए सबने। सर। इट मींस दैट कि यहां पे जो भी ई टू आई टू की वैल्यू रहेगी, आउटपुट पावर मज बी इक्वल टू द इनपुट पावर ई वन आई वन। अभी अपन ने देखा भी था, दैट इज ई टू बाय ई वन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आई वन बाय आई टू, है ना। ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिया जाएगा। इट मीन्स दैट जो ई एम एफ इंड्यूस जो हो रहा है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। और इसमें एक चीज और आती है कि जब भी कभी अपन आइडियल ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो कहीं कहीं किसी किसी बहुत सी बुक में ये भी लिखा हुआ है, दैट इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर, एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज सपोज टू बी
द आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज सपोज्ड टू कंसिस्ट ऑफ टू प्योरली इंडक्टिव कॉइल्स. प्योरली इंडक्टिव कॉइल्स क्यों बोल रहे हैं अपन इसमें, क्योंकि अपन इसमें रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मतलब रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. ठीक है, टू प्योरली इंडक्टिव कॉइल्स वाउंड ऑन अ लॉस फ्री कोर. ठीक है, समझ आया? और जैसे कि अपन ने यहाँ पे E2 को डिफाइन कर रहे हैं और V1 को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसमें एक टर्मिनोलॉजीज और आती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ E1 दिस इज आल्सो नियरली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ V1 एंड द वैल्यू ऑफ E2 इज नियरली इक्वल टू V2. है ना, मतलब इनपुट में जो सप्लाई रहेगी V1 वही सप्लाई आपके E1 के नीले इक्वल टू हो जाएगी जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस जो आपका E2 हो रहा है उसको अपन कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज नियरली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ V2. क्लियर बेटा, समझ आया ये चीज? और एक चीज अपन और जानते हैं, सिंस द वैल्यू ऑफ E2 इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ N2 एंड द वैल्यू ऑफ E1 इज प्रोपोर्शनल टू N1. अब ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं इन सब टर्मिनोलॉजीज से एक इसमें अपन को एक अपना फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज वी गेट द वैल्यू ऑफ V2 बाय V1 दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ E2 बाय E1दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ N2 बाय N1. देखो इधर, यहाँ पे जो सेकेंडरी टर्म्स में आपका सेकेंडरी वोल्टेज है, सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ है, या सेकेंडरी आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, दैट इज इन द रेशियो विद द प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी ईएमएफ इंड्यूस और प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स. इसकी वैल्यू करंट जब के अपन जब रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ करंट आई वन अपॉन आई. Because we see that the value of E2 by E1 is equal to I1 by E2. मतलब जो भी आपका induced EMF होगा या voltage रहेगा या number of turns रहेंगे उसके opposite आपका current का आएगा, and the whole relation is equal to the transformation ratio. K के equal अपन ये पूरा relation अपन लेके चलते हैं. ठीक है, समझ आया? और yes, sir. use अपन कब करेंगे? When we draw, use of this is for the equivalent circuit. When we draw the equivalent circuit, referred to primary side or secondary side. ठीक है, इसका use तब किया जाएगा in terminologies का. Referred to primary side or यहां तक समझ आया सबको बेटा? प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड. ठीक है, तो कल की क्लास में अपन जो स्टार्ट करेंगे दैट इज द ईएमएफ इक्वेशन. ये तो अपन ने सिंपल यहां पे ये देख लिया कि जो भी आपका वोल्टेज आ रहा है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो अपन कैसे कैसे लेते हैं. अब ये ईएमएफ इंड्यूस एक्चुअल में कैसे अपन को इसमें इसको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, तो वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हेडिंग जो रहेगी दैट इज द ईएमएफ इक्वेशन. ठीक है, आप लोग भी इसको देख के आइएगा, फिर अपन कल इसको स्टार्ट करें. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. अटेंडेंस मार्क कर देना मूडल पे, और यहाँ पे किसी को भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो ये पूछ सकते हैं. कोई डाउट किसी को?
सर हाँ पूछो। सर ट्रांजिस्टर वाले पार्ट से न्यूमेरिकल्स नहीं आते क्या? किसमें? ट्रांजिस्टर वाले पार्ट से हाँ नहीं, उसमें न्यूमेरिकल नहीं आते, क्योंकि एक्चुअली वो आपका जो यूनिट नंबर 5th है वो अपने आप में ही दो तरीके में है, मतलब डिजिटल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन में है और एनालॉग में भी है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन वहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में कवर हो जाता है, और कुछ आपके डायोड में आ जाते हैं तो वो ये शॉर्ट की इक्वेशन जो अपन लिखा है उससे आ जाएगा, ट्रांजिस्टर वाले से नहीं आता। ओके सर। और कोई पूछ रहा है कोई? फिर ये जो सर एक पावर बार प्लेट कांस्टेंट प्लेट होता है दिखा वो दीजिए। हर टाइप हाँ पूछो पूछो, क्या पूछो? सीएल हाँ सर, जो पावर कांस्टेंट होता है वो हर टाइप के ट्रांसफार्मर के लिए होता है या फिर सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए होता है? नहीं, कांस्टेंट पावर तो सबके लिए रहेगा, क्योंकि क्या है ना, जब भी अपन उसका नेम प्लेट रीडिंग देखते हैं या उसका अपन ट्रांसफॉर्मर का एग्जांपल देखते हैं तो या तो वो वोल्ट एम्पियर में रहेगा या किलो वोल्ट एम्पियर में या मेगावोल्ट एम्पियर में, तो पावर तो कांस्टेंट ही रहेगा। बस अब उसके अंदर फंक्शनिंग जो होती है, अभी अपन ने यहाँ पे लॉसेस कंसिडर नहीं करे हैं, कल अपन जो देखेंगे वो लॉसेस कंसिडर करने के बाद देखेंगे कि क्या चेंज आता है, ठीक है ना? जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट 0 हो जाएगा तो ईएमएफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? नहीं, ईएमएफ में ऐसा एकदम से अभी सेकेंडरी वाइंडिंग में फर्क नहीं पड़ेगा, बस अभी करंट जो 0 है तब तो सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी सेम रहेगी, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग E2 तो है लेकिन E2 की और V2 की वैल्यू आपने सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो फिर उसमें आपका V2 की वैल्यू में चेंज आएगा, ओके सर। ठीक है ना? ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।